everybody, good morning and अभी है सुबह सुबह का वक्त और मैं बनाने वाली हूँ नाश्ता और मैंने ऑलरेडी नाश्ता बनाना शुरू कर दिया है एंड मेरे बच्चे की चिल्लाने की आवाज आपको अभी आ ही रही होगी तो मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ क्या आज मैं बनाने वाली हूँ नाश्ते में या फिर बना ही रही हूँ। तो आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ नमकीन सेवैयाँ, तो जिसका मसाला मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिया है। इसमें है प्याज, टमाटर, कैप्सिकम, मटर और मैंने इसमें डाला है रेड चिलीज, ग्रीन चिलीज एंड थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर एंड ये है हमारी सेवैयाँ। सो मैं इसमें अब मिक्स कर दूंगी एंड बनके ये जल्दी से तैयार हो जाएगा। तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बॉईल करके रखी थी एंड इसी के साथ में मैं बनाने वाली हूँ मिंट चटनी, जो कि अभी बस मैंने मिक्सर में डाली है। मैं जल्दी से इसको ग्राइंड कर लूँगी एंड इसमें मैंने डाला है पुदीना, थोड़ी सी धनिया, ग्रीन चिलीज एंड मैं थोड़ा सा इसमें अब मिक्स होने के बाद, ग्राइंड होने के बाद दही ऐड करूँगी। जल्दी से मैं सेवैयों को मिक्स कर लेती हूँ एंड फिर मैं आपको मिलती हूँ। एंड सेवैयाँ बनके तैयार है, बस जल्दी से मुझे अब चटनी बनानी है एंड फिर नाश्ता तैयार हो जाएगा। हाय हाय बाय 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 हाय, वेयर इज योर नोज, ईयर्स, very good head दिख रहा होगा। ये है हमारी लिस्ट जो मेरे हस्बैंड जाके लेके आएंगे बाजार से सारी चीजें एंड आजकल मैं और मेरी बेटी अवॉइड कर रहे हैं। कभी पिछले हफ्ते हम गए थे, कुछ जरूरी काम था, लेकिन अब हम नहीं जाएंगे इस हफ्ते। एंड मिंट चटनी हो चुकी है रेडी। इस पे मैंने डाला है धनिया, पुदीना, ग्रीन चिलीज, थोड़ा सा दही और एक लहसुन की कली। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मेरे हस्बैंड अभी जाने वाले हैं ग्रॉसरी लेने एंड सब्जी लेने, तो वो सब सारा सामान लेके आ चुके हैं एंड मैंने सब कुछ साफ कर लिया है। बस मुझे थोड़ी सब्जियां साफ करना रहती हैं तो मैं आज आपको दिखा देती हूँ कि वो क्या क्या लेके आए हैं। सामान मैंने यहाँ साफ करके अभी रख दिया है, यहाँ मैं इसको लगभग सुबह तक के लिए छोड़ दूंगी। और जो फ्रिज में रखने वाला सामान है जैसे कि दूध, दही, वो मैं फ्रिज में रख दूंगी। जैसे कि ये दूध है, दही है एंड ये वो कुछ सब्जियाँ लाई हैं, सब्जियाँ भी यहाँ पर रखी हुई हैं। अभी मुझे इन्हें वॉश करके रखना है, जैसे कि कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, धनिया है एंड मिर्ची है, मेथी है, ये सब मुझे अभी वॉश करना है एंड गोभी भी वॉश करना है। बाकी सारा सामान जो पैकेट्स में है मैंने उनको साफ करके रख दिया है, सॉल्यूशन से पोंछ के अच्छे से रख दिया है एंड ये वो तेल लाई है, सेवई है और बच्ची के लिए कुछ फ्रूट जूस के पाउच हैं एंड लिक्विड वॉश है, डिश वॉशर है एंड आशीर्वाद आटा है एंड और वहाँ उस बकेट पे मैंने कुछ सब्जी और फ्रूट्स वगैरह साफ करके रख दिए हैं। पनीर है, तो यही सब है। तो चलिए मैं अभी सब्जियों को साफ करके रख देती हूँ एंड फिर हम शायद वॉक करने जाएंगे बाहर। एंड क्यों, मैंने सारी सब्जियाँ वॉश कर ली है एंड मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे हस्बैंड क्या क्या सब्जियाँ लाए हैं। सो यहाँ पे है स्प्रिंग अनियंस, लेमन, जिंजर और लाए हैं बैगन, ब्रिंजल और ये है बहुत ही फ्रेश, उनको मिल गई थी मेथी तो वो मेथी लाए हैं एंड यहाँ पे है गोभी, शिमला मिर्च और इतनी बड़ी सी मूली लेके आए हैं वो।
ये है वो चीज़ जिसके बिना तो एशियन किचन में अच्छा खाना बन ही नहीं सकता। कुछ मिसिंग लगता है जो है ग्रीन चिलीज एंड धनिया। एंड जिस दिन भी सारी ग्रॉसरी शॉपिंग होती है, जिस दिन सारी सब्जियाँ आती हैं, आप सब समझ ही सकते होंगे कितना सारा काम बढ़ जाता है हमारे लिए। अच्छा है कि मेरी बेटी सो रही है और मैंने सारी साफ़ सफाई और सब कुछ कर लिया है, नहीं तो वो इधर उधर सब कुछ उठाती है और बहुत मुश्किल हो जाता है सब कुछ करना। हाय गाइस, तो अब हम आ चुके हैं बाहर वॉक करने के लिए और ये है बाहर का नज़ारा और ये है मेरी छोटी सी प्यारी सी बच्ची और अब हम जा रहे हैं वॉक करने। शुरू शुरू में शादी कर यहाँ पे आई थी तो मेरे मम्मी पापा का एक कंसर्न ये भी होता था कि हमारे बच्चे को यहाँ पर अच्छे से वेजिटेबल्स और सारी सब्जियाँ मिलती होंगी या नहीं, लेकिन अब तो वो जान ही गए हैं कि सब कुछ मिल जाता है। बस हाँ, थोड़ी जो इंडियन वेजीज हैं जैसे कि भिंडी, लौकी, ये सब थोड़ी महंगी मिलती हैं, लेकिन बाकी सारी वेजिटेबल्स तो यहाँ आराम से मिल जाती हैं। हाय गाइस, तो अब हम आ चुके हैं बाहर वॉक करने के लिए और ये है बाहर का नज़ारा और ये है मेरी छोटी सी प्यारी सी बच्ची और अब हम जा रहे हैं वॉक करने। चुकी है नई सुबह और आज है संडे और आज हमने बनाया है संडे स्पेशल कुछ चटपटा और मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या है। वो है पानी पूरी। ये सुबह से मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग पानी पूरी की तैयारियों में लगे थे, तो हमने जो गोलगप्पे हैं वो तलकर तैयार कर लिए हैं, पानी तैयार हो गया है, उनके अंदर फिलिंग करने के लिए मैंने तैयारी कर रखी है। बस इसमें हमें नमक और कुछ मिर्ची मिलानी है, मिक्स करना है एंड कल की मिंट की चटनी तो है ही एंड साथ में मैं बस अभी इमली की चटनी बनाने वाली हूँ। मैंने इमली को बॉईल करके रख लिया है तो आपको दिखाती हूँ मैं इसका फाइनल लुक कुछ ही देर में। भाई।
ये है मेरी बेटी जो वीडियो में आने के लिए बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही थी। तो इसको कैमरे में आना ही होता है जब भी मैं फोन उठाऊं। बाय से बाय। हेलो। सो फाइनली रेडी हो गई है पानी पूरी एंड टेबल पे लगा दी है और बस मैं और मेरी फैमिली एंजॉय करने वाले हैं। और टीवी भी बस ऑन हो गया है और बस अब हम पानी पूरी एंजॉय करेंगे। ये है हमारा संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमने कुछ खाया नहीं है, और या फिर ब्रंच कह सकते हैं। और लॉकडाउन में इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आपको घर पे पानी पूरी मिल जाए खाने के लिए। दिस इज बेस्ट। तो चलिए फिर मैं वीडियो को अब यहीं एंड करती हूँ एंड मैं आप लोगों से मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में। एवरीबडी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप इसी तरह आप मेरे सारे वीडियोज देखते रहेंगे एंड मैं आप सबके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज बनाती रहूंगी। और मैं आपको मिलती हूँ अब एक नए वीडियो के साथ जो कि होने वाला है बहुत ही स्पेशल। टिल देन बाय बाय प्री बाय से बाय बाय। बाय।